बेहतरीन मॉइस्चराइजर या फिर नाइट क्रीम कह लीजिए बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, जिसे बना करके आप इसके अनगिनत फायदे ले सकते हैं। ये मेरी ऑर्डर की क्रीम है, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैंने अपने लिए बनाकर ऑलरेडी रखी हुई है। किसी ने मुझसे ये क्रीम कम से कम 8 से 10 बार बनवा ली है और उनको इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं ना, अब वो कहते हैं कि मुझे कम से कम आधा किलो बना करके दो। तो आधा किलो तो नहीं, खैर थोड़ी सी मैं बना रही हूँ, तो सोचा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। जब ये इतने कमाल की है तो इसके कमाल आपको भी मिलने ही चाहिए, इसके अच्छे रिजल्ट्स आप तक भी पहुँचने चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस क्रीम को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आलमंड्स यानी कि बादाम की। तो 20 से 25 बादाम आप रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए, अगले दिन इसे छील लीजिए। इसे हमें पीसना है, इसका पेस्ट तैयार करना है, लेकिन उससे पहले हम दूसरी तरफ तैयार करेंगे गुलाब जल। तो उसके लिए हम थोड़ा सा केसर लेंगे, और केसर जब फ्रिज में रखा होता है ना, मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, तो ये काफ़ी कड़क सा हो जाता है, तो इसे हाथ से मसल करके ना इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो इसका पूरा जो असर है ना वो रोज वाटर में आ जाएगा। अच्छी तरह से मसल करके एक बोल में डाल लीजिए और उसमें आप मिला दीजिए 2 चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। बस इसे रख दीजिए दूसरी तरफ, जब तक हम आलमंड्स को पीसेंगे तब तक इसका जो असर है, इसके जो बेनिफिट्स है, पूरी तरह से रोज वाटर में आ जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ये आलमंड्स जो है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी में चला करके पीस लिया है। अब इसे छानना है क्योंकि हमें आलमंड मिल्क चाहिए। इसे छानने के लिए एक बोल के ऊपर आप छलनी रखिए, उसके ऊपर सूती का या मलमल का कपड़ा रख लीजिए, और जो आलमंड हमने पीस करके तैयार किया है ना उसे इस पर डाल दीजिए। अच्छी तरह से निचोड़ करके पूरा आलमंड मिल्क हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए क्योंकि हम इस क्रीम का इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करने वाले हैं, तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ये क्रीम बन करके रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आलमंड मिल्क पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और उसके बाद जो ये गूदा बचेगा ना, इसे बिल्कुल ना फेंके, इसमें अभी भी बहुत सारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। तो इस गूदे में या तो आप बेसन वगैरह मिला करके स्क्रब की तरह अपनी त्वचा पर इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर खाना बनाने में इस्तेमाल कीजिए, ग्रेवी वगैरह बनाने में यूज कर लीजिए। अब ये जो मिल्क मिला है ना, इस पे हमें मिलानी है बाकी सारी चीजें। बहुत ही कम चीजों के साथ ये क्रीम तैयार हो जाती है, और ये जो आलमंड मिल्क है ना, इतना मैजिकल, मतलब इतने कमाल का है ना, आप यूं भी इसे अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं, लेकिन ये लंबा नहीं रह पाएगा, इसलिए इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे और उनके भी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ये देखिए क्या चमक आ रही है त्वचा पे, है ना, और बहुत सॉफ्ट लग रही है स्किन। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि गुदे का मैंने क्या किया। आज मैंने बनाया था पनीर बटर मसाला, तो उस पे मैंने ये वाला जो आलमंड का गूदा था ना उसे डाल दिया, और सब्जी का टेस्ट एकदम 2 गुना बढ़ गया। सब्जी तो वैसे भी टेस्टी ही बनती है पनीर बटर मसाला, और उसका स्वाद 2 गुना 4 गुना हो चुका है। थोड़ा सा मैंने छोड़ लिया, अपनी त्वचा पर लगाऊंगी इसे स्क्रब की तरह, इसमें कुछ कुछ मिला करके उबटन की तरह बना करके लगाऊंगी, और इधर सब्जी बिल्कुल तैयार है। यहाँ जो हमने रोज वाटर तैयार किया था ना केसर मिला करके, वो अब इस आलमंड मिल्क में हमें मिला देना है। देखिए कलर कितना खूबसूरत आ गया है ना, इस तरह से अगर आप केसर डालेंगे ना तो बहुत ही प्यारा कलर भी आएगा, और सारे बेनिफिट सब अच्छी तरह से आपकी त्वचा पे मिल पाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, 8 से 10 बूंदे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आलमंड्स के बहुत सारे गुण तो हमें मिल ही चुके हैं। 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन मिलानी है, और ये जो विटामिन ई की कैप्सूल्स है ना, इसके अंदर का जो ऑयल है वो हमें इसमें डालना है। 3 कैप्सूल्स में ले रही हूँ, और उसके अंदर से ऑयल निकाल करके इसमें मैंने डाल दिया है। आप देख रहे हो इसमें क्या क्या चीजें पड़ रही है, मतलब आप समझ रहे हो ना ये सारी हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। हर एक चीज अकेले अकेले भी आप अगर इस्तेमाल करते हो तो सोचो आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने सुन रखा होगा इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम फ्रेश मिला सकते हैं? फ्रेश नहीं मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्रीम हम थोड़े लंबे टाइम के लिए बना रहे हैं, तो ये ज्यादा देर तक टिके, खराब ना हो, इसके लिए हम मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही इसमें यूज करेंगे। 4 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम थोड़ी पतली है, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा रनी लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल आप और मिला सकते हैं, पर अगर ये थोड़ा सा पतला भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, हैंड विस्कर ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विस्कर भी आप ले सकते हैं। तो क्या है कि समय भी कम लगेगा और इजीली बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और एक फोम की तरह, मतलब एक क्रीमी वाला टेक्सचर इसमें आ जाएगा।
यहाँ पर क्रीम तैयार हो चुकी है। अब आप इसे लगा करके देखिए अपनी त्वचा पर, क्या चमक आएगी ना। कोशिश करें कि इस क्रीम का इस्तेमाल आप रात को ही करें नाइट क्रीम की तरह, क्योंकि रात को हमारी स्किन रिलैक्स मोड में रहती है, रिपेयर होती है अंदर से, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है ना वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होती है। तो जब हम उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, जब हमारी स्किन रिपेयर मोड में रहती है तो हम कुछ थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ना, तो हमारी त्वचा दुगनी तेजी से बेहतर होना शुरू हो जाती है। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल्स दूर होंगे, एक्ने पिंपल्स के निशान पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, त्वचा पे ग्लो आ जाएगा, स्किन रेडिएंट और ग्रेसफुल हो जाएगी। इस मॉइस्चराइजर के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जब आप खुद इसका इस्तेमाल करेंगे ना तभी इसकी क्वालिटीज के बारे में जान पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे स्टोर कैसे करना है। देखिए, अगर आपने इसे सर्दियों में बनाया है, ठंड के टाइम में बनाया है, तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में 3 महीने तक रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसे बना करके फ्रिज में ही रखें।